हलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू वाल फाइन एट होम आई एम उत्तम कुमार योर न्यू साइंस टीचर टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट न्यू टॉपिक दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स व्हिच इज इन योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस बुक ओके आज हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कि रीप्रोडक्शन इन प्लांट्स फर्स्ट हम समझेंगे व्हाट इज री रिप्रोडक्शन क्या होता है व्हाट इज रिप्रोडक्शन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम इट्स पेरेंट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन और वी कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ वंस ओन काइंड इज नोन एज रिप्रोडक्शन अपने जैसा को पैदा करना ही होता है रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इज अ फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल नॉन लाइफ ईच इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट आज द रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन रिप्रो प्रोडक्शन की वजह से ही आज हम इतना एग्जिस्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन जितने भी लाइफ होते हैं सब वो रिप्रोडक्शन करते हैं आज हम उनमें से प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट प्लांट रिप्रोडक्शन द प्रोसेस बाई हुई प्लांट प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स और अपस्प्रिंग प्लांट अपने जैसा को नया नया पौधा पेद, पैदा करना ही होता है रिपोर्डक्शन प्लांट्स ओके इट इज एन इनहेरिटेंट कैरेक्टर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम टू कंटिन्यू और मेंटेन देयर रेसेस बाय द मेकनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन ओके डिफरेंट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट्स में ऐसे टाइप का रिप्रोडक्शन होता है वॉट आर द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स let's see different mode of reproduction in plants and how it is different from animal in mode of reproduction plants are two types that is asexual reproduction and sexual reproduction in sexual reproduction new plants are arranged through reproductive part whereas in asexual reproduction new plants are arranged from vegetative parts okay now hum separate separate parenge. what is asexual reproduction what is sexual reproduction hum bit by bit padhenge What is asexual reproduction? the process in which new plants are produced by a single parent plant is called a it's called asexual reproduction. क्या होता है the process it is यह एक process होता है जिसके माध्यम से वो plant reproduce होता है एक ही प्यारेंट से एक ही प्यारेंट प्लांट से ही रिप्रोडक्शन होता है इसे हम कहते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इधर दो पेरेंट्स पेरेंट्स दो नहीं होते सिंगल पेरेंट्स होते हैं इसे कहता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देर आर वेरियस मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज बोडिंग फ्रेगमेंटेशन वेजिटेरी प्रोपेगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन अब हम ये डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को बीट बाय बीट पढ़ेंगे फर्स्ट इज वेजिटेरी प्रोफागेशन व्हाट इज वेजिटेबरी प्रोफागेशन द एसेक्सुअुअल रिप्रोडक्शन इन हुईज न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम रूट्स स्टेम्स लिप्स

and leaves and artificial are cutting grafting and layering hum putting a natural vegetative production. this occur when plants grow and develop naturally without any human interference natural vegetative production can be enabled by development of adventitious roots those new plants may be emerged from the roots stems and leaves of the parent plants रूट्स, बोर्ड एंड ब्रिंग अबाउट दू प्लांट्स इट अकोर्स थ्रो दट आरजीटे बाई रूट्स वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाई स्टेम्स वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाई लिवस हम पढ़ेंगे अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय रूट्स वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाई रूट्स

मिट्टी के नीचे दबाते देते हैं मिट्टी के नीचे ब्लूरेट करते हैं तो ये क्या होते हैं न्यू प्लांट्स होते हैं क्या होते हैं न्यू दे ग्रो इन टू न्यू प्लांट्स ओके क्या क्या होते हैं स्वीट्स पोटेटोस कैर रेडिस दीज आर ऑफ वेजिटेट प्रोपेगेशन बाय रूट्स ओके दीज आर मेनी एग्जाम्पल्स आर दिल प्रोपेगेशन ऑफ रूट्स

ओके देखो न्यू सोर्स निकला है कि नहीं देखो जिंजर में देखो न्यू न्यू सोर्स निकला है इस साइड में है कि नहीं देखो ये सब न्यू न्यू सोर्स आर ग्रोज यार फॉर एग्जाम्पल पोटाटोस जिंजर टर्मेरिक एटसेट्रा ओके पोटाटो एन अदर वेजिटेटिव Propagation, potato hearts, that are called ice, देखो ये ये छोटा-छोटा होते, है? होते हैं. क्या होते हैं न्यू न्यू प्लांट्स आइस होते हैं क्या होते हैं ये आइस ओके पोटेटो हाउसिटेबल बोर्ड दैट आर कॉल्ड आइस इसे हम आइस कहते हैं okay, ये न्यू न्यू प्लांट्स may grow they grow into new plants now we'll discuss vegetative propagation by leaves vegetative propagation by leaves leaves of some plants have bores at their margin small tiny pla plat platelets arise from these bores these platelets fall off from ground and grow into new plants for example Begonia, ये देखो और उसके साइड में क्या क्या है मार्जिन में उसका बोर्ड्स निकल रहे हैं देखो छोटा छोटा प्लांट्स निकल रहे हैं वहीं से ही दे ग्रो इनटू टू बिग प्लांट्स ओके दी आर दरवें रूट्सर दिज आर दरवें रूट दिस इज दस दिस इज दिस इज द बोर्ड्स दिज आर दोड्स क्लियरली ओके दीज आर द बोर्ड्स बाई हुईज द्लांट ग्रोस इंटू न्यू प्लांट्स ओकेर आर सम एग्जाम्पल इन मार्जिन दे ग्रोस ओके देखो ये सब उसका मार्जिन में क्या हो न्यू न्यू प्लांट्स कहाँ पर हो रहा है ये अपना लेब्स में हो रहा है सब न्यू न्यू प्लांट्स सब उग रहे हैं न्यू न्यू प्लांट्स ये होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय लीव्स डियर स्टूडेंट आज हम क्या क्या पढ़े आज हम पढ़े व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देर आर टू मोड ऑफ इन प्लांट दैट इज ए सेक्सुअल रिपोर्डक्शन एंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड हम उसके बाद उसके बाद पढ़े व्हाट इज ए सेक्सुअल रिपोडक्शन रिप्रोडक्शन

वेजिटेटी प्रोपागेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटे प्रोपागेशन आज हम पढ़े नेचुरल वेजिटेटी प्रोपागेशन काल पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटरी प्रोपेक्शन दैट इज कटिंग ग्राफ्टिंग लेयरिंग एटसेक्ट्रा के बारे में दटस ऑल अबाउट टूडे क्लास